दुर्ग के मोहनगर वार्ड में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। निगम की खामोशी से अतिक्रमणकारियों के हौसले काफी बुलंद हो चले हैं और दुर्ग निगम सिर्फ नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, जिसके चलते आए दिन वार्ड में वार्ड वासियों के बीच तूतू मैमे की स्थिति निर्मित हो रही। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 13 मोहन नगर की गेंदी डबरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जो सकरी गलियों पर भी अतिक्रमण कर आने जाने के रास्ते बंद करते देखे जा रहे हैं, जिस पर वार्ड पार्षद व निगम अधिकारियों की खामोशी के चलते अतिक्रमणकारी विरोध करने पर हाथापाई व मारपीट पर उतारू हो रहे हैं, जिसका नजारा मोहन नगर के गेंदी डबरी में सुहन किराना स्टोर के पीछे नजर भी आया, जहां भीमराव रामटेके के द्वारा तंग गली पर कब्जा करते हुए सीढ़ी का निर्माण कर दो मंजिला इमारत खड़ी कर ली गई है, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर के जनदर्शन व निगम आयुक्त हरीश मंडावी से करने के बाद भी अब तक निगम ने अतिक्रमण को हटाने की कोई पहल अभी तक नहीं की है, सिर्फ नोटिस भेज अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रही है और खामोश बैठ गई है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो चले हैं और वह आए दिन मोहल्ले वालों के विरोध करने पर भी विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासी काफी परेशान देखे जा रहे हैं। कहीं रोज रोज की तूतू मैमै के चलते एक दिन कोई बड़ा हादसा न हो बैठे, जिसको संज्ञान में लेते हुए दुर्ग निगम मौके पर पहुंचे और वार्ड वासियों के हित में एक मत फैसला लेकर सबके लिए हित हो उस पर कार्य करने का निर्णय लिया। इस संबंध में न्यूज टीम को पीड़ित वार्डवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 10 साल से रह रहे हैं और ये जो रोड है सबका रोड है, ये बढ़ा के बना रहे, इसका शिकायत नगर निगम में भी कर चुके हैं, जनदर्शन में भी कर चुके हैं, कलेक्टर में दोबारा कर चुके हैं, केवल आश्वासन मिला है, कार्रवाई नहीं मिला। अगला पार्टी को 3 बार नोटिस भी दे चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? ये रोड क्लियर होना चाहिए, सबका व्यवस्था का, ये हमारा निजी प्रॉपर्टी नहीं ना उसका भी नहीं है, सबका प्रॉपर्टी है, सब आने जाने में असुविधा होगा। निगम की अनदेखी के चलते इन अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो चले हैं, जरूरत है निगम इन पर नकेल कसे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।